राधे राधे, आज मैं एक नंबर साइज के कान्हा जी की ड्रेस बनाना बता रही हूँ। इस मेथड से आप एकदम परफेक्ट तरीके से ड्रेस को बना पाओगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मेन फैब्रिक और पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर चिपकाना है। ये पतला वाला पेपर पेस्टिंग है जो एक साइड से तो चिकना आएगा, दूसरी साइड रफ आएगा। कपड़े को पेपर पेस्टिंग के ऊपर आपको चिपका लेना है। और अब इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 19 इंच और इसकी लंबाई होनी चाहिए 2.5 इंच। इसके लिए मैंने इसमें ये लेस ऐड करूंगी नीचे और ऊपर ऐड करूंगी पतला वाला गोटा। ये मैंने 1/2 इंची वाला गोटा लिया है जो ड्रेस में यूज करेंगे। इस कंगूरे वाले लेस को नीचे की तरफ लगाना है। बॉर्डर को खींचना नहीं है। बॉर्डर में हम एक ही सिलाई लगाएंगे जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी ड्रेस में। अब 1/2 इंच छोड़ के आपको ये गोटा ऐड करना है पतला वाला। अब फिर से 1/2 इंच छोड़ के इसके ऊपर ये एक गोटे की लाइन और अटैच करेंगे। अब जो 1/2 इंच वाला गोटा लिया था इसे हम ड्रेस के किनारे इससे कवर करेंगे। इसके लिए 1/2 हिस्सा मैंने पीछे की तरफ रखा है और 1/2 हिस्सा आगे की तरफ रखा है। और नीचे वाला हिस्सा मोड़ के इसको कवर करना है ताकि बॉर्डर खुले नहीं बाद में वॉश करने के बाद में। अब दूसरा वाला हिस्सा भी इसके जैसे ही कवर करना है। अब इसमें छोटी छोटी चुन्नट पूरे में ही डालनी है। चुन्नट आपको एकदम बराबर डालनी है। जितनी आप चुन्नट ले रहे हो सारी चुन्नट एक ही साइज की होनी चाहिए। छोटी और बड़ी चुन्नट आएगी तो इसमें घेर की साइज है उसमें आपको फिनिशिंग नहीं आएगी और घेर का घेराव भी ऐसे गोल नहीं आएगा। फिर आयरन से सेट कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये घेर एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा। अब इसका कमर कितनी है इस घेर की ये मेजरमेंट लेना है।
इसकी कमर है 4 इंची। इसके ऊपर के ब्लाउज के लिए मैंने कपड़े की लंबाई रखी है 4 इंच और चौड़ाई रखी है 1 इंच, उससे जरा सा ज्यादा है। इसे मैंने 2 पार्ट लिए हैं। अब इनके चारों ओर हम गोटा लगाएंगे। आधा इंच वाला गोटा लिया है, जिसका आधा हिस्सा पीछे रखेंगे और आधा हिस्सा इसमें आगे रखेंगे, जैसे स्कर्ट में बनाया था वैसे ही इसमें लगाना है। अब इस एक बाजू को दूसरी बाजू के ऊपर रख के सिलाई कर लूंगी। एक इंच जितनी ही करनी है सिलाई। अब इसको उल्टा रख के जो हमने पहले वाला हिस्सा तो छोड़ देना है और दूसरे वाला हिस्सा स्कर्ट से अटैच करना है। आधा इंच छोड़ते हुए कपड़े में सिलाई लगानी है। अब इस वाले हिस्से को इसके ऊपर रखना है, आपको पास में नहीं रखना, इसके ऊपर रखना है। थोड़ा जितना लेस लगाई है गोटे वाली उतना हिस्सा आपको ऊपर रखना है उस वाली। अब ये वाला हिस्सा मोड़ते हुए इसके ऊपर लगाना है। खाना जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है। आप भी इस मेथड से बना के देखो और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे क्लिक करना। धन्यवाद।